हरे कृष्णा, आई एम रियली सॉरी बट आई एम बैक। इंटरनेट ही बस एक चीज है जो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और ऐसे पवित्र मंगल में दर्शन स्थान पर आने के लिए तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। यस, आई एम बैक फ्रॉम कटवा। और मैं बता रहा था आपको, ये वही वृक्ष है जहाँ पर महाप्रभु आकर बैठे थे और उनके साथ 5 और उनके अनुयायी थे, और यहाँ पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। दिस इज नित्यानंद ब्रह्मानंद, एंड दिस इज नित्यानंद, एंड दिस इज चंद्रशेखर, दिस इज गदाधर पंडित, एंड दिस इज मुकुंद। सो दिस इज वेयर दे केम एंड दे सैट अंडरनीथ दिस ट्री। जब गौरंग महाप्रभु यहाँ पर आए थे, उससे पहले क्या हुआ, जब उन्होंने नवद्वीप में ये सोच लिया था कि मैं मकर संक्रांति के दिन संन्यास दीक्षा लूंगा, किसी को नहीं बताया था, इन्हीं 5 लोगों को बताया था। रात का समय था, कोला वेचर श्रीधर जी आए थे और उनके हाथ में एक पम्पकिन था। अब कोला वेचर श्रीधर अपने आप में बहुत महान भक्त हैं, बहुत गरीब थे, सिर्फ केले के पत्ते बेचते थे, और महाप्रभु उनके साथ आकर बहस करते थे कि तुम ना बहुत महंगे, ये केले के पत्ते बहुत महंगे बेचते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसे ही बड़े गरीब थे। लेकिन महाप्रभु ने बाद में जाकर उन्हीं के एक ही, उनके पास संपत्ति थी, एक मटकी, एक गड़ा था उनके पास, एक मटकी का, जिसमें वो पानी पीते थे और सारे काम वो उसी से करते थे। महाप्रभु ने उनका झूठा पिया था। ही वॉज वेरी वेरी यू नो ही वॉज वेरी वेरी बहुत ही गरीब थे, did not have any money, yet Shri Chaitanya Mahaprabhu loved him more than his heartbeat. तो महाप्रभु ने उनके हाथ का पम्पकिन लिया, और रात को कोई और दूध भी लेके आया, तो पम्पकिन की खीर बनवाई। दैट वॉज द लास्ट प्रसाद दैट श्री चैतन्य महाप्रभु हैड इन नवद्वीप। उसके बाद वो घर में आकर विश्राम करते हैं, और सुबह के 3 बजे जब सारा नवद्वीप सो रहा था, बस सची माता जागी हुई थी, उनकी माँ जागी हुई थी, घर के दहलीज पर बैठी हुई थी, वो जानती थी आज निमाई कुछ करने वाला है, मेरे को लग रहा है निमाई घर छोड़ के चले जाएगा। वो फूट फूट कर रो रही थी, और गौरंग महाप्रभु क्या करते हैं, निमाई आते हैं, अपनी माता जी को प्रणाम करते हैं, उनकी 3 परिक्रमा करते हैं, उनके मुखमंडल को पकड़कर वो उनको समझाते हैं क्यों उनका संन्यास लेना कितना ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से अपनी मैया को मनाते हुए वो क्या करते हैं, मैं आपको डिटेल में सुना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें कीर्तन और दर्शन भी करना है, बट इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। मदर सची वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, शी फिल्ड निमाई विद हर टीयर्स, देयर वॉज अ पॉन्ड ऑफ टीयर्स, एंड गौर हरि केप्ट ऑन बेगिंग बेगिंग बेगिंग, उनको मनाने की प्रयास कर रहे थे कि हे मैया मेरे को आप जाने दीजिएगा। उसके बाद जब उन्होंने परिक्रमा करी, उनको प्रणाम किया, उनके मुंह को चूमा, बार बार चूमा, देन श्री गौर हरि लेफ्ट फ्रॉम नवद्वीप। उन्होंने गंगा जी को पार करते हुए जनवरी के महीने में ठंडी गंगा मैया में उन्होंने डुबकी लगाकर ही स्वैम अक्रॉस द गंगा एंड ही स्टार्टेड रनिंग 25 miles फ्रॉम नवद्वीप टू कटवा। तो वहाँ नवद्वीप से वो भाग कर यहाँ पर कटवा आए, जो मैं आज सुबह सुबह आया हूँ कटवा, और महाप्रभु यहाँ पर आकर बैठ गए। जब कटवा के सारे भक्तों को पता लगा कि गौरंग महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, सभी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आए, लंबे लंबे हाथ, करोड़ों सूर्य एक साथ जब प्रकट हो जाए, उनका प्रकाश भी महाप्रभु के अंग कांति से भी आसपास नहीं आ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज शाइनिंग लाइक millions and millions of suns coming together. Gaur Hari was doing his kirtan, chanting and dancing. He sat over here and he asked for Keshav Bharati. To Keshav Bharati ji yahan par upasthit the, unko aake wo nivedan karte hain ki aap mere ko kya kariye, sanyas diksha dijiye. Saath mein ek barber ko bulaya gaya jo unke baal, unke kesh kaatega. To jo katwa ke sthaniya bhakt hain wo unke upar bahut krodhit ho gaye. केशव भारती जी को और जो बारबर हैं, जो मधु पंडित हैं, उनको बहुत सारी गलत गलत बातें बोलने लग गए कि अगर आप उन गौरंग महाप्रभु के बाल काटेंगे तो हम आपको जला देंगे। केशव भारती जी, अगर आपने महाप्रभु को संन्यास दिया तो हम आपका ये पूरा आश्रम समेत आपको गंगा में डुबो देंगे। तो देयर वर लॉट ऑफ ब्लैक बैकलैशेस दैट यू नो केशव भारती जी एंड द बारबर हैड टू हियर, बट गौरंग महाप्रभु केप्ट ऑन इंसिस्टिंग। महाप्रभु केशव भारती जी से निवेदन करते हैं और उस बारबर से कहते हैं, अगर आप आज मेरे बाल काटेंगे तो आने वाले समय में आपको कभी भी फिर से बाल नहीं काटने पड़ेंगे, नित्य आप
गोलोक धाम में मेरे साथ लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो बार बार उनको मना रहे हैं गौर हरि श्री गौरंग महाप्रभु। इसी स्थान पर बैठकर जब कोई मान नहीं रहा था तो महाप्रभु ने अपनी भुजाएं उठाकर तीव्रता से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन प्रारंभ कर दिया। अभी हम थोड़ी देर में कीर्तन करेंगे। और सभी के देखते देखते महाप्रभु ने क्या किया, मधु पंडित की ओर अपना सर झुका दिया। His hairs were the beauty of Navdweep. No one could ever take their eyes off Sri Chaitanya Mahaprabhu's moon-like, golden-like face. And now his hairs were being cut. जैसे ही मधु पंडित ने वो रेजर, उस टाइम तो रेजर भी नहीं थे, सिर्फ एक ब्लेड को लेकर जैसे ही महाप्रभु के वो बाल काटने प्रारंभ करते हैं, I will take you to that place now, जहाँ पर ये लीला हो रही है। चलिए पहले आप दर्शन कर लीजिए इस वृक्ष के, अब मैं लेके चलता हूँ। ये सारे के सारे पता नहीं मेरे को मारने के लिए खड़े हुए लग रहा है और बहुत घूर रहे हैं, पता नहीं कुछ तो होगा। लेकिन आप मेरे फैन हैं, मैं आपका एसी हूँ। एसी है घर में, हरी बोल बोलो। चलिए ओके, नाउ लेट्स टेक दर्शन। श्रीपाद केशव भारती आश्रम, यस पूर्ण समाधि। सो दिस इज द समाधि ऑफ श्री केशव भारती जी एंड दिस इज वेयर द लीला विल हैपन। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ओके जस्ट वन मिनट, एक सेकेंड, मैं एक चीज भूल गया। हरी बोल हरी बोल। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक दर्शन ऑफ दिस इज द प्लेस एक्चुअली इट्स दिस इज ऑल्सो गदाधर पंडित समाधि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर जी जो है वो श्रीमती राधा रानी की ही अवतार है। तो पंच तत्व में जो गदाधर पंडित जी हैं ये उनकी समाधि है कटवा में। हाउ मेनी डिवोटीज न्यू दिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए। गदाधर पंडित हर दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम सुनाया करते थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पर जब गौरंग महाप्रभु के बाल काटे गए थे और बाल काटने के बाद उनको यहीं पर समाधिष्ठ किया था। श्री गौरहरीज हेयर्स वर पुट ओवर हियर इन दिस एग्जैक्ट प्लेस। तो गौरंग महाप्रभु के जो बाल जहाँ रखे हुए हैं और गदाधर पंडित जी की जो समाधि है वो एक ही जगह पे है। दिस इज़ इन कटवा वेस्ट बंगाल, अराउंड 2 hours अवे फ्रॉम इस्कॉन मायापुर। ठीक है चलिए। जाए तो दिस, ओह माय गॉड आई एम गेटिंग गूज बम्स। ऑन द राइट यू कैन टेक दर्शन्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभुज लोटस फीट इम्प्रिंट्स एंड दीज आर केशव भारतीज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ गौरंग महाप्रभुज हिज लोटस फीट। इसी स्थान पर बैठकर आज के दिन मकर संक्रांति के दिन श्री गौरंग महाप्रभु को संन्यास दीक्षा दी गई। मैं अब आपको लीला आगे सुनाता हूँ। हरी बोल, आप सब इधर आ जाओ, जो खड़े ही हो तो लीला सुन लो। आ जाओ सब, आ जाओ, हाँ आ जाओ, सभी आ जाओ। जय हो, सभी बैठ जाओ यहाँ पर, दर्शन करो कटुआ के भक्तों का। हरी बोल हरी बोल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने सीरियसली किसी को नहीं बुलाया, मैं कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी इधर आ जाओ, थोड़ी इधर आ जाइए, थोड़ी देर आ जाइए, और इधर आ जाइए, और भी भक्त हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। Who will translate this in Bengali for me? You translate, okay, loudly. Tell everybody we are extremely fortunate today to be sitting over here. The whole world, every Gaudiya Vaishnav devotee wants to come here today. Tell them. আমরা সবাই ভাগ্যবান যে আমরা এখানে আজকে এসেছি। সব বৈষ্ণবরাই এখানে আসতে চায় আজকের দিনে। They want to come over here, all the Gaudiya Vaishnav devotees. You said this? Forget, done? She's very fast, forget it. बहुत fast है हमारी ये माता जी। ठीक है, हरी बोल। चलिए लीला को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह रहा था, मधु पंडित जो भक्त हैं जिन्होंने महाप्रभु के बाल क्या करे थे, काटे थे, मुंडन किए थे, ठीक है।
जैसे ही वो मुंडन करना प्रारंभ करते हैं उनके हाथ कांपने लग गए. ऑब्वियसली हु कैन एवर टच द हेयर्स ऑफ कृष्णा ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. तो उनके हाथ कांपने लग गए और वो कहते हैं हे गौर हरि, हे गौर सुंदर, हे गौरंग महाप्रभु, मैं आपके बाल बिल्कुल भी नहीं काट सकता, मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा. श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार उनको कहते हैं ये मेरी इच्छा है, इट इज माई डिजायर, इट इज माई विल दैट यू कट माई हेयर. बड़ी मुश्किल से बार बार जब निमाई ने उनसे विनम्र प्रार्थना करी तो मधु पंडित जी रोते हुए जब उन्होंने पहली बार ब्लेड को चलाया निमाई जी के यू नो फोर हेड पे, जैसी पहला ब्लेड चला एंड द फर्स्ट हेयर दैट फेल ऑन द ग्राउंड, जैसी वो बाल गिरे साथ साथ पूरे कटवा के पूरे नवद्वीप के असंख्य भक्तों के असंख्य आंसू भी साथ में गिरे, साथ में सभी भक्तों के हृदय गिर गए. एज सून एज दे सॉ चैतन्य महाप्रभुस हेयर्स दैट यूज्ड टू गो टिल हिज वेस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, एवरीबडी स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स, एवरीवन वाज क्राइंग. चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है देवी देवताएं यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु गणेश जी कार्तिकेय ऐसे से बड़े बड़े देवी देवताएं भी भगवान के बालों के दर्शन नहीं कर पाते हैं. जब उन्होंने ये लीला देखी कि श्री गौर हरि क्या कर रहे हैं अपने बाल कटवा रहे, इट्स नॉट सो ईजी. अगर आप किसी को बोलोगे ना अपने बाल कटवा लो तो हार्ट अटैक आ जाता है, लड़कियों को बोल दो तो वैसे ही समझ रहे हो क्या हो जाता है, वो हेयर कट कराने जाते हैं ना तो अगर बार बार ने हल्का सा बाल कट दे तुम्हें की कच्ची की कच्ची तुम्हें आपने की कोर्चे. सो वी ऑल लव आवर हेयर्स राइट. सो एनीवेज तो व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभुज हेयर वर कट एंड देवर यू नो देवर दे स्टार्टेड फॉलिंग इन द ग्राउंड एवरीबडी वॉज क्राइंग, द होल नवद्वीप द होल कटवा वॉज क्राइंग, एवरीबडी स्टार्टेड ग्रैबिंग चैतन्य महाप्रभुज राइट नाउ हिज निमाई, दे स्टार्टेड ग्रैबिंग हिज हेयर्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट एपिटोम मोस्ट प्रेशियस थिंग दे कुड हैव इन देयर लाइव्स. नाउ निमाई के बाल कट चुके हैं और वो जाते हैं गंगा जी के स्नान करने के लिए. अभी हम गंगा घाट पे गए थे और गंगा स्नान किया था और क्या पवित्र दिन है, आज के दिन ही गंगा मैया प्रकट हुई हैं. कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ लकी वी आर, आज के दिन संन्यास दीक्षा हुई, आज के दिन ही गंगा मैया प्रकट हुई, आज ही हमने गंगा जी के दर्शन कर लिए और आचमन भी कर लिए और वो देखो नरसिंहा प्रभु हंस रहे हैं. चलिए हरि बोल. गंगा जी के स्नान करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं इस स्थान पर बैठकर. अब मैं जहां पर बैठा हूं और आपको दर्शन करा रहा हूं, केशव भारती जी यहां पर उपस्थित थे, यहां पर बैठे थे और निमाई पंडित थे निमाई. बिफोर दिस ही वाज निमाई पंडित, नो वन कुड डिफीट हिम इन यू नो शास्त्रस. केशव भारती यू नो ही हैड व्हाट यू कॉल सॉरी केशव कश्मीरी पंडित हु हैड डिफीटेड एवरी सिंगल ब्राह्मण यू नो इन द एंटायर इंडिया. ही आल्सो केम टू डू यू नो शास्त्रिकल डिस्कशन विद निमाई पंडित, बट निमाई पंडित स्मैश्ड हिम. ऐसे मतलब उन्होंने ना हजारों श्लोक बोले थे गंगा मैया की प्रसन्नता के लिए उनकी महिमा में. जब वो बोलना बंद किए उसके बाद महाप्रभु ने बोला, निमाई पंडित ने कहा वो ना 64वें श्लोक में ना आपने सेकेंड लाइन में ना गलती कर दी. सो ही वॉज शॉक्ड, मैंने हजारों श्लोक बोले इसने इतनी जल्दी सुन कैसे लिया, सुन भी लिया और याद भी कर लिया और मेरे को सुना भी रहा है और उसके उसके ऊपर गलती भी बता रहा है. सो नो वन कैन स्मैश हिम. एनीवेज निमाई पंडित यहाँ पर बैठते हैं और हाथ जोड़कर कृष्णम मंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण से ही गौड़ीय मध्व संप्रदाय निकलता है, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जिनसे सारे संप्रदाय निकलते हो, जो कृष्णम वंदे सारे जगत का गुरु हो वो आज दीक्षा लेने जा रहा है, वो आज शिष्य बनने जा रहे हैं. केशव भारती जी के चरणों में पड़ते हैं, प्लीज गिव मी दीक्षा. केशव भारती जी मना कर देते हैं. ऐसे बार 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 ये लीला चलती रहती है, मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ. उसके बाद केशव भारती जी के कान में निमाई क्या करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं और वो कहते हैं कि ये मंत्र आपको कैसा लगता है, ये मंत्र मेरे को लग रहा है कि बहुत ही सुंदर मंत्र रहेगा संन्यास दीक्षा के लिए. केशव भारती जी इस मंत्र को सुनते हैं और ये सारी लीलाएं इसी स्थान पर हो रही है, राइट ओवर हियर. जब केशव भारती जी ने ये मंत्र सुना तो ऑब्वियसली, और केशव भारती कौन है, वो ही कौन है, गर्ग मुनि है, सॉरी वो ही सांदीपानी मुनि है. मैं चेक कर रहा था सब हाँ बोल देते हैं एकदम. केशव भारती इज सांदीपानी मुनि. सांदीपानी मुनि का आश्रम कहाँ है इंडिया में, बताएगा कौन, बताएगा
Where is Sandipani Muni's ashram? जहाँ पर कृष्ण बलराम जी ने शिक्षा ली थी. 64 दिन के लिए 64 days कृष्णा एंड बलराम went to school, गुरुकुल सांदीपानी मुनि आश्रम. और ये आज भी है उज्जैन में, आप दर्शन कर सकते हैं. तो केशव भारती इज नॉट डिफरेंट देन सांदीपानी मुनि. अब जब उन्होंने ये मंत्र सुना, केशव भारती बोलते हैं यही मंत्र, हालांकि आप तो यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, आप ही तो परम ब्रह्म अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण है. यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज. ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. प्रभु ये आपकी लीला है और आप चाहते हो मैं आपको दीक्षा दूं, तो मैं आपको इस समय दीक्षा देने जा रहा हूं. तो उन्होंने वही मंत्र उनके कानों में वापस बोला इसी स्थान पर. श्री चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट इनिशिएटेड केशव भारती जी, देन लेटर ऑन केशव भारती इनिशिएटेड चैतन्य महाप्रभु बैक. और आज के दिन ही इसी स्थान पर उनको नाम दिया गया. अब वो सोच रहे हैं जो पूरी दुनिया को, जो पूरे संसार को चलाता है, जिनके केवल भ्रिकुटी के पलटने से पूरा संसार चल रहा है, उसकी रचना होती है, उसका संहार होता है, उसका पालन होता है, उनको नाम मैं क्या दे सकता हूं. लेकिन क्योंकि निमाय नित्य हर समय क्या करते हैं, कृष्ण की चेतना में रहते हैं, तो मैं उनको नाम देता हूं श्री कृष्ण चैतन्य. क्या नाम देते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की. तो आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही, कटवा में ही, जिस स्थान से आप अभी दर्शन कर रहे हो लाइव, इस स्थान पर बैठकर केशव भारती जी ने श्री निमाय पंडित का नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य. और चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, और हिज होलीनेस जयपतक स्वामी महाराज ने अपने पुस्तक में लिखा है. वेयर इज दैट बुक? प्लीज प्लीज कैन यू जस्ट शो मी. नहीं ऐसी दे दो, ऐसे ऐसे. थैंक यू. जय. दिस इज अ वंडरफुल बुक रिटन बाय हिज होलीनेस जयपतक स्वामी महाराज. If anyone wants to read the leelas of Gauranga Mahaprabhu in detail, this is the book you need to get. Jayapataka Swami, The Golden Incarnation of Divine Love. So you can get this maybe on Amazon also, or any ISKCON temple it will be available. This is real treasure. When you come to Mayapur, Bengal mein aao na, aapke purse ke andar paise kam hone chahiye, ye book 100% honi chahiye. I carry this everywhere I go. ओके एनीवेज, तो महाराज इसमें वर्णन करते हैं कि आज के दिन पूरा दिन जो भक्त हैं उनके मुंह पे सिर्फ एक नाम होना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य. चलिए एक बार हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवास आदि गौर भक्तवृंद सभी मिलकर बोलेंगे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे काली काली हरे राम 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 हरे हरे. तो इस प्रकार श्री निमाय पंडित जी को नाम दिया गया श्री कृष्ण चैतन्य. और एक भक्त थे जो उनके बचपन के दोस्त थे, वो यहाँ से निकल रहे थे, गंगा उपाध्याय उनका नाम था, लेकिन उनको पता लगा कि मेरे निमाय मेरा मित्र बचपन का यहाँ पर आया हुआ है. तो जैसे ही उन्होंने आके देखा, अरे निमाय संन्यास ले रहा है. 24 साल की उम्र में निमाय ने क्या कर लिया था, संन्यास. अब गौरंग महाप्रभु जो पिताम्बरधारी येलो ड्रेस पहनते थे, है ना, उनके मालती माला उन्होंने पहनी होती थी, इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार होता था, नथिंग. केशव भारती गेव हिम अ डंडा, केशव भारती गेव हिम अ कमंडलू, केशव भारती गेव हिम टू सेट्स ऑफ ऑरेंज क्लोथ्स जो सन्यासी पहनते हैं. अब गौरंग महाप्रभु ने, और वहाँ पर सची माता रो रही है कि मेरे निमाय को भोजन कौन खिलाएगा, मेरे निमाय के कपड़े कौन धोएगा, एंड ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, इट्स ऑल इन डिटेल, आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग इन डिटेल. बट सो महाप्रभु नाउ गॉट अ डंडा एंड अ कमंडलू एंड ही नेवर केम बैक टू नवद्वीप. दिस इज द लास्ट डे श्री चैतन्य महाप्रभु स्टेड इन नवद्वीप. उसके बाद वो वृंदावन जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाते हैं. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. चलिए अब खूब कीर्तन होगा, वी आर गोना डांस एंड वी आर गोना चैंट. ये पकड़ लीजिएगा,
आप फटाफट से दर्शन कर लीजिए. दिस इज द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर श्री केशव भारती इनिशिएटेड श्री गौरांग महाप्रभु. जय केशव भारती जी. समाधि इज बिहाइंड दिस. हम उनका दर्शन कर लेते हैं फटाफट. दिस इज द समाधि ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु. जय हो. एक परिक्रमा करते हैं हम फटाफट. चलिए हरी बोल जय हो. एक्चुअली आप सब यहाँ पर रहते हैं ना, तो हमें पूछो हमें क्या लग रहा है अभी. और साथ साथ 667 डिवोटीज आर टेकिंग दर्शन्स. कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई रशिया से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहा है, कोई पंजाब से, कोई आंध्र प्रदेश से. तो उनको बैठे बैठे दर्शन मिल रहे हैं. आप सब तो हीरो लोग हो ना. आप सबको तो महाप्रभु की बड़ी मर्सी है, बड़ी कृपा है. चलिए हरि बोल. What do we do now? You want to do some kirtan first quickly or you want to shoot? Hana? Anything, whatever. Okay, since everybody is here, let's do some kirtan. I'll hold. You guys do kirtan. You sure? Yeah. आपके लिए gift. हाँ, दो ना gift तो दे दो. Gift. भाई जो भी कोई gift लाया दे दो. पहले हम kirtan करेंगे सभी साथ में. प्रभु. Oh wow. दिखाओ दिखाओ जगतवासी को दिखाओ यार. Oh Krishna. माताजी पता है क्या, मैं सोच रहा था कि मैं सबको कैसे दिखाऊंगा. एक मिनट. मैं सोच रहा था कि मैं सबको कैसे दिखाऊंगा कि गौरांग महाप्रभु सन्यास के बाद कैसे लगते हैं. आई वॉज थिंकिंग. आप मेरे को एक बार बुक दिखाना, एक बार बुक देना. हाँ ये देखो. सी दिस इज परफेक्ट. हाँ चैतन्य महाप्रभु यूज टू लुक. आप एक बार ये पकड़ो. दिस इज सो ब्यूटिफुल. श्री चैतन्य महाप्रभु यूज टू लुक लाइक दिस बिफोर सन्यास. लॉन्ग हेयर्स, ठीक है. And his hairs used to be decorated with different flowers. And he had malti mala. He was beautifully decorated. So these are the darshans before sannyas. And now, Mataji has got this, I can't even call it a painting, darshans of Sri Gaurang Mahaprabhu, how he looked after the sannyas initiation happened, when he had a haircut, a Mahaprabhu ke baal nahi hai, and he had, you know, orange clothes, saffron robes, and this is how actually Gauranga Mahaprabhu looked when he had sannyas from Keshav Bharti ji. Mataji bahut bahut dhanyawad. Kaise thank you karu, mujhe samajh nahi aa raha. Thank you very very much. Lekin katwa mein aisa gift milna prabhu, it's I think it's one of the most amazing gift. Krishanu koi raggo haan ji, mere dada Krishanu koi raggo haan ji, ab uske liye bhi kuch bol dena aap. Haan bol guru se. Kya naam hai unka? Krishanu koi raggo. I hope I pronounce it right. Krishanu Vairagya. Krishanu Vairagya. अब वो क्या है आपके? दादाजी. दादाजी नहीं. अरे भैया. अरे भाई. यार हमारे यहाँ दादाजी. ब्रदर. कृष्णानु वैराग्य प्रभु. कृष्णानु वैराग्य प्रभु दादा. दादा प्रणाम. दादा खूब भालो. मेरा दिल आपके लिए ले लो और जल्दी से अपना दर्शन दीजिएगा. एंड आई लव यू. हरी बोल. हरी बोल. थैंक यू. थैंक यू. चलिए मतलब कीर्तन करते हैं ना थोड़ी देर के लिए. यहीं पर करते हैं ना. यहाँ पर करना है. कहाँ चलना है बोलो. अच्छा पहले इनसे बात करो यार. ये तो मेरे को घुमा दो क्या. कैसे हो आप सब? हरी बोल. आप सब यहीं रहते हैं. ये सब धाम वासी है. बजाओ ना. मैं करता बजाऊंगा ना. ओके
कहाँ पर बैठे हैं? यहाँ बैठे सब। अरे नाचो ना इधर पूजी। डांस। ओके, डांस वाला खेलते हैं। अरे उन सबका रिकॉर्डिंग तो ये हो रहे हो कीर्तन करने बोलो मोबाइल फोन। जिसको भी फोटो चाहिए सेल्फी चाहिए सब मिलेगा आपको फ्री में, कोई पैसा चार्ज कभी नहीं किया मैंने। फोटो सेल्फी के लिए कौन पैसा लेता है यार? फ्री फ्री। तो जस्ट एंजॉय हरी नाम, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर करके कभी मेरे पास आ जाओ यार, मैं कुछ काटूंगा थोड़ी ना। आयो मेरे लिए, आप दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, वेरी गुड। व्हाट व्हाइट शॉट खेलो, व्हाइट शॉट ही खेलो, वैगन आर किया ज़ूम शॉट खेलो। राइट और लेफ्ट कैसे करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। I have to flip the camera once.
कितने अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं। कोई मेरे लिए पनीर की सब्जी लाया, कोई मेरे लिए मूली के पराठे लाया है, कोई मेरे लिए जूस लाया है, कोई मेरे लिए उड़ के आया है, कोई मेरे लिए चल के आया है, सभी मेरे लिए नहीं आए हैं, सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए आए हैं। हरि बोल। When you take out the श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। इंटरनेट वाला फोन दो। So since we got, since चैतन्य महाप्रभु got the name, I know the lyrics. Even I know, but like in case. I'll tell you. Okay. What is the problem? Hmm. नहीं चाहिए। Okay. तो सिंस निमाय पंडित जी गॉट द नेम श्री कृष्ण चैतन्य, सो वी वुड लाइक टू शेयर एंड सिंग दिस स्वीट भजन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना केदा यलु जगत संसारे। ठीक है जी, आइए। ओके, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंदा सुखी
Oh,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 दर्शन का आयो मन कर देता हूँ थैंक यू धन्यवाद माता जी धन्यवाद हे निमाई पंडित हे सचिनंदन श्री गौर हरि श्री गौरंग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि विनम्र प्रार्थना आपकी परम असीम अनुकंपा कृपा के द्वारा सभी भक्त सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपके इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन में भक्तों की वृद्धि हो हम सभी वैष्णव अपराधों से सुरक्षित रहें हमारा मन वाचा कर्मणा हमारी मन हमारी वाणी और कर्मों के द्वारा नित्य हम आपका स्मरण करें आपकी सेवा में तलीन रहे इस मूर्ख दास की ऐसी छोटी सी प्रार्थना यदि आप चाहें तो स्वीकार करें praying for all the people who are COVID affected who are suffering from coronavirus may this world heal soon by the mercy of the most merciful incarnation of Shri Krishna sending in prayers personal prayers standing in front of Shri Gauranga Mahaprabhu on the exact place where Gauranga Mahaprabhu was given initiation sannyas diksha today on this most holiest day of Makar Sankranti jai